नमस्कार गायज, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में गायज हम आपको बताने वाले हैं कि सिंगल गियर और डबल गियर एक्सपेलर में क्या अंतर है। गायज अगर आपको भी जाननी है गायज कि सिंगल गियर और डबल गियर एक्सपेलर में क्या अंतर है गायज, और हमें अगर नया एक्सपेलर ले रहे हैं दोस्तों तो आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हमें कौन सा गियर वाला लेना चाहिए, सिंगल गियर और डबल गियर। तो ये वीडियो दोस्तों पूरी देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बनाई है गायज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और बेल आइकन में दबा लेंगे दोस्तों आपको इस चैनल में इसी प्रकार के वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे गाइस सिंगल गियर और डबल गियर एक्सपेलर में दोस्तों अंतर यह है कि गाइस सिंगल गियर में सिंगल गियर होता है दोस्तों, और डबल गियर में डबल गियर होता है। और इसका पहचानने का नियम दोस्तों हमारे स्क्रीन में जैसा कि चल रहा होगा गाइस, सिंगल गियर जहां लगा हुआ होता है दोस्तों वहां पे सिंगल गियर, जहां डबल गियर लगा तो वहां डबल गियर होता है। दोस्तों इसमें अंतर यह है कि जहां पे अगर सिंगल गियर वाला अगर घंटे में 50 केजी माल निकालती है दोस्तों, तो डबल गियर वाला वहीं 60 केजी माल निकालेगी। अगर 50 केजी निकालती है तो 60 केजी निकालेगी, अगर दोस्तों अगर 70 केजी माल आपका निकालती है 9 बोल्ट, तो वहीं डबल गियर वाला दोस्तों 80 केजी माल निकालेगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंगल गियर दोस्तों 6 बोल्ट मशीन में भी होती है, 9 बोल्ट का भी दोस्तों सिंगल डबल दोनों होता है दोस्तों, और 4 बोल्ट एक्सपेलर में दोस्तों 4 बोल्ट का एक्सपेलर में गए सिंगल डबल सभी प्रकार का आता है। इसमें दोस्तों इसका प्राइस में ज्यादा अंतर नहीं होता है गाइस, जहाँ पे अगर 10,000 या 20,000 का दोस्तों डिफरेंस होता है इन लोगों का दोनों का प्राइस में गाइस। और अगर दोस्तों आपका भारी भरकम काम है गाइस, अगर सप्लाई का काम है तो आपके लिए डबल गियर का मशीन अच्छी रहेगी, और दोस्तों अगर लोकल काम करना है दोस्तों, छोटा मोटा काम है, तो आपके लिए सिंगल गियर का एक्सपेलर काफी अच्छी रहेगी दोस्तों। तो आप पे डिपेंड पड़ता है गाइस कि आप कौन सा एक्सपेलर लेते हो, आपके लिए कौन सा एक्सपेलर सही है गाइस। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस चलेंगे, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।